अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपने फार्मेटिक विलो चैनल सातिब से, मैं हूँ मोहम्मद सातिब। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है ज़िला रहीम यार खान। ज़िला रहीम यार खान पाकिस्तान के सूबे पंजाब का एक ज़िला है। इसका मरकजी शहर रहीम यार खान है। मशहूर शहरों में रहीम यार खान और सादिक आबाद शामिल हैं। 1998 के मर्दमशुमारी के मुताबिक इसकी कुल आबादी 31,41,000 थी। ज़िला रहीम यार खान में अमूमी तौर पर सराइती, पंजाबी और उर्दू जबानें बोली जाती हैं। इसका रकबा 11,880 मुरबा किलोमीटर है। इसे इंतजामी तौर पर 4 तहसीलों में तकसीम किया जाता है। तहसील खानपुर, तहसील रहीम यार खान, तहसील सादिकाबाद और तहसील लियाकतपुर। 1791 में एक कदीम वीराना फलवदा पर एक नए शहर की बुनियाद रखी गई और इसे नौशहरा का नाम दिया गया। स्टेट रजिस्टर 1904 में इस की तारीख की बाबत ये अल्फाज दर्ज हैं। सोमरो दौरे हुकूमत में यहाँ फल और इस ताबेता लाचा हुक्मरान रहे। 1881 में इस शहर का नाम रहीम यार खान रखा गया। 1881 में रेलवे हुकाम ने नवाब ऑफ बहालपुर से दरख्वास्त की थी। नौशहरा नाम का शहर सूबे सरहद में भी मौजूद है, जो रेलवे हुकाम के लिए मुखालते का सबब बनाता है। इसलिए इसका नाम तब्दील कर दिया गया और नवाब सादिक मोहम्मद खान राबे ने अपने बेटे के नाम पर इस शहर का नाम तब्दील करके रहीम यार खान रख दिया। शहजादा रहीम यार खान 4 साल की उम्र में आज में झुलस जाने से फौत हो गया। रहीम यार खान शहर तो अहमियत 1928 में मिलना शुरू हुई, जब सतलुज वैली प्रोजेक्ट के तहत पंजनद हेडवर्क्स की तामीर हुआ। 1934 में रहीम यार खान को ज़िले हेडक्वार्टर बना दिया गया, जबकि इससे कबल खानपुर ज़िले हेडक्वार्टर हुआ करता था। रहीम यार खान बहावलपुर रियासत का हिस्सा था, जामे पाकिस्तान से वक्त रियासत का पाकिस्तान से लिहाज हो गया और 1956 में वन यूनिट के क्याम के वक्त रियासत बहावलपुर तो पाकिस्तान में दम कर दिया गया और यूँ ज़िला रहीम यार खान पंजाब का एक ज़िला बन गया। ज़िला रहीम यार खान की कुल आबादी 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 31,41,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि 2008 तक आबादी में 31% की शरह से सालाना इजाफा हुआ, जिसकी वजह से अब इसकी आबादी 41,14,779 है। रहीम यार खान सतह समंदर से 88 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ज़िले का कुल रकबा 11,880 मुरबा किलोमीटर है। ज़िले के शुमाल से जनूब की तरफ लंबाई 180 किलोमीटर और चौड़ाई मशरक से मगरिब की तरफ 165 किलोमीटर है। इसमें 44 रकबा शामिल नहीं है। ज़िले के शुमाल में मुजफ्फरगढ़, मशरक में बहावलपुर, जनूब में इंडिया की रियासत जैसलमेर और ज़िला धोधती सिंध और मगरिब में ज़िला राजनपुर वाक़ है। रहीम यार खान एक गर्म तरीन इलाका है। यहाँ का दर्जा हरारत 52 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और सर्दियों में 3-4 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ज़िला रहीम यार खान तहजीबी और माशरती एतबार से मुनफरिद और गैर मामूली हैसियत का हामिल है। इस सहराओं में जहाँ हजारों सालों की तहजीबी रास दफन हैं, वहाँ ये जिंदगी के जदीद तरीन और गालिब रुझान का मरकज भी है। गोया ज़िला रहीम यार खान में इंसान के कदीम दौर से जदीद दौर तक माशरती, तहजीबी और सकाफती सफ़र के अरतताई अमल का मुशाहिदा भी किया जा सकता है। यहाँ एक तरफ तो अजीम सहराए चोलिस्तान के टीलों में जिंदगी का फितरी और कुदरती अंदाज और रंग मौजूद है, जबकि दूसरी जानब जिंदगी जदीद तरीन शऊर और अंदाज के तहत जलवा दर है। सिंध के तुरप की वजह से लसानी और सकाफती इश्तराक है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और शहरों से आबादारों की आमद से कबायली, पोतुहारी, पंजाबी और क्याम पाकिस्तान के बाद महाजरीन की आमद बशमोल सराइकी, पंजाबी और अहल ज़ुबान उर्दू के माशरती, सकाफती और तहजीबी अवामिल के तालमेल ने
मिनी पाकिस्तान का दर्जा दे दिया है। इस तमाम माशरती गिरोहों ने अपनी इंफरादियत भी बरकरार रखी। उम्मीद आत्मादियात इंफॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारे सिलोर चैनल साथी बिल्फुत ला शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा, ताकि आप हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो मिल सकें। फिर मिलें किसी और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।